तो क्वेश्चन नाइन का आप सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नाइन में देखिए हमें प्रूफ करनी है x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, ये हमें प्रूफ करनी है। अब ढंग से देखो, फर्स्ट रो में ढंग से आप देखो कि अगर हम यहाँ पे किसी तरह से ठीक है x ला पाते तो एक्स वाई जेड हमें मिल जाता। ठीक है, उसी तरीके से सेकेंड रो में अगर आप देखो कि अगर यहाँ मैं y ला पाता तो ये बन जाता एक्स वाई जेड, और थर्ड रो में देखो आप तो अगर किसी तरीके से हम z को बना लेते तो ये हमें मिल जाता एक्स वाई जेड। तो थर्ड कॉलम से हमें कॉमन आ जाता एक्स वाई जेड, और ये थर्ड कॉलम वन वन बन जाता। जैसे वन वन बनता तो डिटर्मिनेंट्स वहीं आपका सॉल्व हो जाता। ठीक है, उसके बाद में आपको ऑपरेशन सिर्फ अप्लाई करना पड़ता। तो करते हैं, देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम LHS लेके चलेंगे। LHS इक्वल टू एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। ठीक है, अब देखो फर्स्ट रो में मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स वाई जेड। ठीक है, सेकेंड रो में मैं y से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो वाई स्क्वायर वाई क्यूब एक्स वाई जेड। थर्ड रो में मैं z से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जेड स्क्वायर जेड क्यूब एक्स वाई जेड। और मैंने आपको बताया कि डिटर्मिनेंट्स में अगर मल्टीप्लाई करते हो तो उसे बैलेंस करने के लिए आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। फर्स्ट रो में x से किया था, सेकेंड रो में y से किया था, थर्ड रो में z से किया था। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब मैं थर्ड कॉलम से बाहर ले रहा हूँ एक्स वाई जेड को। ठीक है, तो एक्स वाई जेड और पहले से है एक्स वाई जेड। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब वन वन वन। ठीक है, ये कैंसल आउट होगा। अब मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगाता हूँ। ठीक है, आर टू में, तो आर टू में क्या करूँगा मैं, आर टू माइनस आर वन, और आर थ्री में ऑपरेशन लगाएंगे तो आर थ्री माइनस आर वन। चलो, तो फर्स्ट रो को कॉपी कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वन हमने ऑपरेशन किए हैं रो टू में। ठीक है, तो ये तो आपका ज़ीरो हुआ। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान देना है, वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब, और ये ज़ीरो। अब ऐसा करो, इसको स्प्लिट करो। ठीक है, तो स्प्लिट करेंगे एक्स स्क्वायर, इसे आप ब्रेक करेंगे तो वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स एक्स क्यूब, इसे स्प्लिट करेंगे तो वाई माइनस एक्स इंटू ए स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या तो आप लिख सकते हैं एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, वन, और ये मिला आपको ज़ीरो। उसी तरीके से इसको करेंगे तो जेड प्लस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स इंटू जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड
प्लस एक्स स्क्वायर और ये आपको जीरो मिला। ढंग से देखो, सेकेंड रो से क्या कॉमन आ रहा है हमारा, वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, और थर्ड रो से जेड माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर, वाई प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स, एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, वन ज़ीरो ज़ीरो। अब फर्स्ट रो के अलोंग इसे एक्सपेंड कर दो, ठीक है, तो करते हैं। देखो y माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो हमारे पास में बचा क्या, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पहले एक बार लिखो y प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक कॉपी करें आप। तो अब देखिए यहाँ से जो कैलकुलेशन हमारा बचा हुआ है वो बेसिक कैलकुलेशन बचा हुआ है, ठीक है। तो y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स को कॉपी कर लिया, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जेड स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स क्यूब माइनस, ठीक है, यहाँ ध्यान देना है, जेड वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। क्या कैंसल आउट हो रहा है, ये कैंसल आउट होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई ये कैंसल आउट होगा, एक्स वाई जेड ये कैंसल आउट होगा, और कुछ कैंसल आउट हो रहा है, एक्स स्क्वायर जेड, एक्स स्क्वायर जेड ये कैंसिल आउट होगा, जेड वाई स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, नहीं हो रहा। वाई माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स, ठीक है, तो जेड स्क्वायर वाई प्लस जेड स्क्वायर एक्स माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, हम कर क्या सकते हैं, तो वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, ठीक है, इसको आप देखो और इसको देखो, ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, वाई जेड को ले ले, तो यहाँ पे जेड बचेगा आपको और यहाँ पे y मिलेगा, ठीक है, ये दोनों को देखो, तो प्लस x कॉमन ले ले, ठीक है, x कॉमन लेने से क्या होगा, देखिए x कॉमन लेंगे यहाँ से तो आपको मिल जाएगा जेड स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, ठीक है, वाई जेड इंटू जेड माइनस वाई प्लस एक्स, हम इसको लिख सकते हैं जेड प्लस वाई इंटू जेड माइनस वाई, ठीक है। अब इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, तो वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस वाई आ रहा है, ठीक है, वाई जेड बचा हमारे पास, और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स जेड प्लस एक्स वाई, ठीक है। अब देखो हमें चाहिए x माइनस वाई, ठीक है, तो यहाँ से हमने माइनस को ले लिया कॉमन, x माइनस वाई, ठीक है। हमें चाहिए y माइनस जेड, जब माइनस बाहर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, हटा रहा हूँ, y माइनस जेड और z माइनस एक्स, सही है। उसके बाद में इसे अरेंजमेंट करके लिखेंगे तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, हमें यही प्रूफ करना था। देयरफॉर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ठीक है, कॉपी कीजिए। क्वेश्चन 10 देखते हैं, 10 का फर्स्ट पार्ट है और हमें प्रूफ करनी है 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन को आप ढंग से देखें, आंसर देखने से हमें ये हिंट्स मिल जाता है कि हमें करना है कैसे। तो देखो, या तो आप फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को ऐड कर दो, या तो फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट को ऐड कर दो। जब ऐड करोगे 2 2 4 4 1 5 4, ठीक, इसको ऐड करोगे तो भी आपको मिल जाएगा यहाँ से 5x प्लस 4। तो करते हैं, देखिए अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो एल एच एस इक्वल टू ऑपरेशन हमने लगाया कॉलम फर्स्ट में, ठीक है, तो सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, ठीक है। जब मैं इसको देखो ऐड करूँगा तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स फाइव एक्स प्लस फोर और फाइव एक्स प्लस फोर, 5x प्लस 4। सेकेंड कॉलम को ऐसे ही कॉपी करो, 2x x प्लस 4, 2x 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 x प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ 5x प्लस 4 को, तो 5x प्लस 4 को ले लिया मैंने कॉमन, 1 1 1, 2x x प्लस 4, 2x 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 x प्लस 4, ठीक है। मैंने आपको बताया डिटर्मिनेंट्स में जब आप किसी एक रो या एक कॉलम को 1-1 कर देते हो तो उस डिटर्मिनेंट की कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है, ठीक है, क्वेश्चन आपका वहीं सॉल्व हो जाता है, ठीक। तो अब देखो करना क्या, ऑपरेशन लगाते हैं, तो क्या करेंगे ऑपरेशन में, आर टू माइनस आर वन, आर थ्री माइनस आर वन, ठीक है, ये हमने ऑपरेशन यहाँ अप्लाई कर दिया। अब देखो जैसे आप ऑपरेशन अप्लाई करोगे ना, तो वन टू एक्स टू एक्स जीरो, ठीक है। अब यहाँ से देखो एक्स प्लस फोर माइनस टू एक्स, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 माइनस एक्स और ये जीरो, 4 माइनस एक्स जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो, जीरो मिल रहा है ये, ठीक, ये जीरो मिल गया आपको 4 माइनस एक्स, और 5x प्लस 4 आपने बाहर लेके रखा है। अब एक्सपेंड कर दो इसे, तो 5x प्लस 4
फर्स्ट कॉलम के अलोंग में एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा और इसे डिलीट कर दूंगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से फाइनली आपको मिल जाएगा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 0, 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था। देयर फोर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। कॉपी कीजिए, सेकेंड पार्ट देखते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह है, ठीक है। हमें प्रूफ करना है के क्यूब इंटू 3y प्लस के, ठीक। अब सुनो, फर्स्ट कॉलम में हम ऑपरेशन लगाएंगे, तो c1 प्लस c2 प्लस c3, ठीक है। तो ऐड करोगे तो 3y प्लस के, 3y प्लस के, 3y प्लस के आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप ऐड करके देखो, ठीक है, 1 2 3 के, 1 2 3 और के। सेकेंड रो में हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया, तो y y प्लस के, y y y y प्लस के, ठीक है। अब फर्स्ट कॉलम से हम 3y प्लस के को बाहर ले लेंगे, 3y प्लस के ले लिया मैंने इसे कॉमन, तो 1 1 1 y y प्लस के, y y y y प्लस के, ठीक है। अब देखो करना क्या है, r2 माइनस 1, r3 माइनस 1, बिल्कुल वैसे ही ऑपरेशन हमने लगाई है। तो 3y प्लस के 1 0, ठीक है। यहां से y आपका कैंसिल आउट होगा, के 0 0 0 के, यहाँ पे के स्क्वायर आपका है। उसके बाद में आप इसे एक्सपेंड कर दो, तो 3y प्लस के 1 के अलोंग में करेंगे हम, के 0 0 के, 3y प्लस के 1 इंटू के स्क्वायर माइनस 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो के स्क्वायर 3y प्लस के, और यही आपको प्रूफ करनी थी। देयर फोर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। क्वेश्चन 11 देखिए, क्वेश्चन 11 में आपको प्रूफ करना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ठीक है। अब सोचो करोगे इसमें क्या, पढ़ रहा है कुछ दिखाई, तो अगर ऐसा करें r1 में ऑपरेशन करें, r1 प्लस r2 प्लस r3, तो r1 a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c, ठीक है। तो a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस बी प्लस सी, ये तो हमें मिल रहा है, ठीक है। तो करते हैं a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो 2a प्लस बी माइनस सी माइनस ए प्लस 2c, बी प्लस ए प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। हमने फर्स्ट रो में ऑपरेशन लगाए हैं, ठीक है, ये इस बात को ध्यान में रखना है। 2b, 2c, b माइनस सी माइनस ए, 2b, 2c,
सी माइनस ए माइनस बी। अब फर्स्ट रो से हम बाहर ले लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी को, ए प्लस बी प्लस सी को ले लिया मैंने बाहर, वन 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 टू बी, बी माइनस सी माइनस ए, टू बी टू सी टू सी, सी माइनस ए माइनस बी। अब क्या करोगे सोचो, आप ऑपरेशन लगाओ सी टू सेकेंड कॉलम में, ठीक है, सी टू माइनस सी वन, सी थ्री माइनस सी वन, तो फर्स्ट कॉलम को तो आप कॉपी करो वन टू बी टू सी, अब देखो हमने कॉलम सेकंड में ऑपरेशन लगाया तो b माइनस सी माइनस ए माइनस टू बी, तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ से b माइनस सी माइनस ए, ठीक है। अगर मैं माइनस यहाँ से बाहर ले लूँ तो a प्लस बी प्लस सी हमें मिल जाएगा, ठीक है, जीरो माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये जीरो होगा जब आप थर्ड कॉलम में लगाएंगे तो, ठीक है, ये जीरो, चलो अब आगे में बढ़ते हैं। तो थर्ड कॉलम में हम यहां तक कंप्लीट कर चुके हैं ना, अब ये हो गया आपको यहां से जीरो टू सी में, ठीक है। अब इसकी बात करें तो यहाँ से भी आप माइनस ले लो ए प्लस बी प्लस सी उसी तरीके से। अब देखो ढंग से देखो, अगर आप देखो तो सेकेंड कॉलम से आपको क्या बाहर आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी, थर्ड कॉलम से क्या बाहर आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी, तो ले लो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये दो बाहर आ रहे हैं, एक पहले से है तो इसको मैं क्यूब कर दूं, वन टू बी टू सी, जीरो माइनस वन जीरो, वन जीरो, माइनस वन, ठीक है। अब सुनो करना है क्या है, अच्छा थर्ड कॉलम में क्या ये जीरो होगा ना, एक्सपेंड करो आप, ठीक है, एक्सपेंड करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ठीक है, तो माइनस वन जीरो जीरो माइनस वन, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब वन इंटू वन, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब और वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मिलेगा। और देखिए यही हमें प्रूफ करनी थी, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, कॉपी कीजिए। क्वेश्चन 11 का सेकेंड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन 11 के सेकेंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, ठीक है। अब ढंग से क्वेश्चन को देखो, अगर हम फर्स्ट कॉलम में ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड ले आए तो वहां से फिर आपको कॉमन मिल जाएगा, और कॉमन मिलेगा तो सारे एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के वन वन हो जाएंगे, वन वन होने के बाद में डिटरमिनेंट्स वहीं सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो करेंगे क्या, अगर फर्स्ट कॉलम में
ऑपरेशन लगाए और C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दे, तीनों को ऐड कर दे, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, 2x 2y 2z, ठीक है, उसके बाद में 2y 2z 2x 2z 2x 2y मिल रहा है, ठीक है। LHS इक्वल टू 2x प्लस 2y प्लस 2z, ठीक है। और सेकेंड कॉलम में हमने कोई ऑपरेशन नहीं किए, थर्ड में कोई ऑपरेशन नहीं किए, तो उसको वैसे ही कॉपी कर लेंगे, y प्लस z प्लस 2x, या तो इसे अरेंजमेंट करके लिख लो 2x प्लस y प्लस z y y, ठीक है, x प्लस 2y प्लस z, ठीक है, 2x प्लस 2y प्लस 2z 2x प्लस 2y प्लस 2z, ठीक है। अब फर्स्ट कॉलम से बाहर ले लो, तो 2x प्लस 2y प्लस 2z को मैंने ले लिया बाहर, 1x y 1 2x प्लस y प्लस z y, 1x x प्लस 2y प्लस z, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब करना क्या है, R2 में करेंगे हम ऑपरेशन, R2 माइनस R1, R3 में करेंगे ऑपरेशन, R3 माइनस R1, ठीक है। अब ऑपरेशन करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, ठीक है, फर्स्ट रो को तो कॉपी करो, 1x y, सेकेंड रो में हमने ऑपरेशन किया, ठीक है, तो 0। अब देखिए यहां पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड, और ये आपका होगा 0, ठीक है, 0, x में x 0, ठीक है, और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको यहां से मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब करते हैं हम इसे एक्सपेंड फर्स्ट कॉलम के लोग में, ठीक है, 2 x प्लस वाई प्लस जेड 1, डायरेक्ट कर देता हूं मल्टीप्लाई में, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 0 कर सकते हैं, तो 2 x प्लस वाई प्लस जेड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार सो कर देता हूं, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, और यही हमें प्रूफ करनी थी, ठीक है, लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS।